भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। बाबा अतर सिंह जी बचन करिया करते सन सतसंग मन दे प्रथाएं, कहिंदे इहनू टिकाणा बहुत औखा है, बहुत औखा है। बाबा अतर सिंह जी, मैं पढ़ रहा सी बाबा अतर सिंह जी दी महापुरखां दी जीवनी, उस जीवनी दे विच महापुरखां ने मन नू काबू करन दे कुछ तरीके दसे। मन विच आया सतसंगत की क्यों ना होवे, ये तरीके आ सांझ च पाए जाण, थान खोल दिता जाए, पता नहीं कि चीज़ किनू पसंद आ जाए, कि चीज़ कि लाभदायक हो जाए। महापुरख बाबा अतर सिंह जी कहिंदे इस मन नू टिकाणा बहुत औखा, टिकाणा बहुत औखा, यह बड़ा चंचल मन है, बड़ा चंचल मन है। कहिंदे कुछ तरीके ने, कुछ जुगतियां ने। देखो हर महापुरख का अपना अपना अनुभव होता है, अनुभव होता है। हर महापुरख ने अपने मन नू जे काबू किए तो वखरे वखरे ढंग होणगे, तरीके वखरे वखरे। सतगुरु जी कोलों समत लैके वो तरीके अपना के मन नू काबू कर ले। डॉक्टर इको ही होंदा है, इको बीमारी दे कई मरीज होंदे ने, ध्यान देना, 100-150 मरीज इको बीमारी का इको डॉक्टर को आ रहे। पर कदे ध्यान करना, डॉक्टर दवाई सारियां नू इको जी नहीं देंदा, भावें बीमारी इको जी है, क्योंकि बॉडी रेजिस्टेंस जिहड़ी हुंदी है उहदे मुताबिक। हुण एक बंदा आ गोलियां पचा सकता है, एक बंदा वो दवाई उहनू सूट ही नहीं करदी, एक बंदे नू आ सॉल्ट सूट करता है, दूसरे नू नहीं सूट करता। वखरियां दवाइयां बदल के, तरीका बदल के साध संगत जी वो इक्को बीमारी दे पेशेंट कई होंदे ने उन्हां नू राजी करदा कई तरीकियां दे नाल। आ को सतनाम, असी भी इक्को बीमारी दे ग्रसे होए आ जी, मन नहीं टिकदा, मन कंट्रोल च नहीं, ते जदों सतगुरु जी दी गोदी च बहिंदे आ फिर सतगुरु जी साडे मन दी दशा वेख के, ध्यान देना, साढ़े मन की दशा वेख के, साड़ी आत्मक अवस्था वेख के, साढ़े अंदर की मलीनता वह भी वेख के भी किन्ना मैल है, किन्ना आत्मक बल ये अंदर है, किन्ना सुथरा है, किन्नी को इन्हें पौड़ियां चढ़िया, उस मुताबक सात संगत सानू राह देंदे ने। आखो सतनाम। हर महापुरख का अपना अपना चलन है, हर महापुरख ने वक्री वक्री जुगतियां दे नाल अपने मन को काबू किया। गल तो काबू करन दी है, गल तो बीमारी राजी होण दी है जी, जेडे मर्जी तरीके दे नाल राजी होवे। आखो सतनाम। इदां ही है ना, इदां ही है ना जी। महापुरखां ने मन नू काबू करन दे, कंट्रोल करन दे तकरीबन 3 सत्संग तरीके दसे। कहिंदे मन नू काबू करना विवेक बुद्धि दे राही, ये पहला तरीका, पहला तरीका बड़ा कारगर सिद्ध होएगा जे ये तरीका, जे समझ विच आ जाए और अपना लईए। विवेक बुद्धि, सूझवान बुद्धि, जिन्हों समझ होवे जिस बुद्धि नू कि आ चीज सही है आ चीज गलत है। आखो सतनाम। वो बुद्धि मन नू कंट्रोल जल्दी कर सकती है, जल्दी कर सकती है जी कंट्रोल। देखो मन ने तो भजना ही है, मन ने चंचलताई दिखानी, मन ने साध संगत बहुत विषय विकारां वाल होर इधर उधर भजना, पर विवेक बुद्धि ने निर्णय लेना कि आ काम करना है कि आ काम नहीं करना, ये काम करन चे लाभ है कि नुकसान है। लाभ है तो मन के फुरने एक्टिव होने दे दिता, ठीक है,
ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਖਤਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੂਸ ਵੀ ਪਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾਵਾਂ, ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਆ ਪੀਆਂ ਆ ਖਾਵਾਂ ਆ ਪੀਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰਸ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਡ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੂਸ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਖਾ ਲੈ, ਆ ਰਸਗੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਆ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲੈ, ਖਾ ਲੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਆਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਰਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਸ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਸ, ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰਸ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਸੱਚਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ,
बहना पेगा, गुरु दे बोलां नूं समझना पेगा, समझ के साथ संगत फिर उहदे ते पैरा देना पेगा। ज्यों ज्यों गुरु दे बचना ते पैरा देंदे चले जाओगे, मनते जाओगे, गुरु की बात मनते जाओगे, तुहाडी बुद्धि विवेकता वल वधदी जाएगी। आखो सतनाम, विवेक बुद्धि बनती जाएगी। आ पढ़ते हो ना, विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिली है संत उतारे। गुरु विवेक ने, विवेक गुरु गुरु समदर्शी, जो विवेक गुरु को बैठेगा तेरी बुद्धि भी विवेक हो जाएगी। आपको सतनाम, तेरी बुद्धि दे विच भी विवेक आ जाएगा। विवेक गुरु दे कोल बैठेगा, समदर्शी गुरु कोल बैठ मिलिए संक उतारे। वो जितनिया अंदर शंकावां, जितने अंदर रोग द्वेष होर सारिया चीजा, ये विवेक बुद्धि दे राही तू निर्णय करन जोगा हो जाएगा। केड़ी चीज मेरे वास्ते सही है, केड़ी चीज गलत है, केड़ी चीज लाभदायक है, केड़ी चीज नुकसान है, नुकसानदायक है, ध्यान देना। गुरु दे कोल बैठदे आ असमत आउंदी है, गुरु दे बोल मनदे आ असमत आउंदी है। महापुरख कहण लगे, कहिंदे विवेक बुद्धि दे राही इस मन नू कंट्रोल करो, इस मन नू कंट्रोल करो, मन नू कंट्रोल करो। ते यही साहब फिर समझा रहे ने, किवें समझाउंदे ने, नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सारा। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सारा। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सारा। नानक मन समझाइए शब्द सला। ए मन मेरिया, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया, तू फिर रहो चोट न खावही राम, तू फिर स्थिर रहो, स्थिर हो जा। ए तां स्थिर होएगा जे इहदे उपर स्थिर बुद्धि दा राज होएगा, विवेक बुद्धि दा राज होएगा। एक सियाणा बच्चा होवे, आपां उहदे हाथ दे छोटे बच्चे दा हाथ फड़ा दिंदे आ, कहिंदे बेटा तू सियाणा है ना, इहदा ध्यान रखी। आखो सतनाम, तू सियाणा है ना, इहदा ध्यान रखी। हुण उह जिहड़ा छोटा बच्चा, उहने चंचलताई दे विच बड़ियां हरकतां करनियां, पर उह सियाणे बच्चे ते हथ दे विच उहदा हथ है चंचल बच्चे दा, उह सियाणा बच्चा उहनूं संभाली रखदा है, चंचलताई वल नहीं जाण दिंदा, चंचलताई वल नहीं जाण दिंदा। उह 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 जाणा चाहुंदा है चंचलताई वल, पर सियाणा बच्चा पकड़ के रखदा ना, नहीं जाणा, नहीं करना। इदां ही सात संगत, ये चंचल मन का जड़ा हाथ है, ये विवेक बुद्धि दे हाथ च दे दियो। विवेक बुद्धि ने फिर इनू चलाना है ना, आ कम नहीं करना ना, ये कम इतने नहीं जाना, आ नहीं करना, वो नहीं करना, इन्हें फिर विवेक बुद्धि ने चलाना। तो फिर साहब कहते हैं दूजी पंक्ति च की कहें, ए मन मेरिया, सहज समाव हीरा, कौन गावे सहज समाव हीरा, कौन गावे सहज समाव हीरा, कौन गावे सहज समाव हीरा। एक तो तू स्थिर रहो, फिर दूसरी गल गई, कहिंदे गुण गावे सहज समाव हीरा। एक मना मेरिया गुण गाई जा, शब्द नू कमाई जा, कमाई जा। कहिंदे वेख
फिर की होएगा सहज समावही राम, सहज दे विच आ जाएगा वो टिक जाएगा टिक जाएगा। नानक मन समझाइए और कै शब्द समाहे, नानक मन समझाइए और कै शब्द सलाहे, नानक मन समझाइए और कै शब्द सलाहे, नानक मन समझाइए और कै शब्द सलाहे। दूजी जुगती महापुरखां ने दसी, संगत दे विच बैठे सन, जुगतियां सांझियां कर रहे सन। बाबा अतर सिंह जी मस्तवाणी वाले कहिंदे दूजी जुगती मन नूं कंट्रोल करन दी, मन नूं वस करो, कहिंदे इहनूं कुट्टो, इहनूं कुट्टो, जल्दी ना मनिया करो, इहदी इहदे उप्पर सख्ती रखिया करो, हर वेले सख्ती रखिया करो। मन ने तां वाशनावां वल दौड़ना, मन ने गंद वल दौड़ना, मन ने माड़ियां हरकतां वल दौड़ना। कहिंदे इहनूं शब्द दे सट, शब्द दी समत राहीं कुट्टो, कुट्टो ही असवार रिहा करो। आ सतगुरु जी भी एक पंक्ति च कहिंदे, किवें कहिंदे जी, कुट कुट मन कसवटी लावे, 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 सो कूटन मुकत बह पावे, सो कूटन मुकत बह पावे। साहिब कहिंदे कुट कुट मन कसवटी लावे, साहिब कहिंदे ने कुट कुट मन कसवटी लावे, कसवटी ला कुटिया करे, असवार रिया करे, देते ए बहुत माड़े हरकतां वल दौड़दा, देह देस भजदा। साहिब कहिंदे शब्द की सुमत दे नाल इहनूं कुटिया कर, कुटिया कर, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कहिंदे इहो जिहा कुटना कहिंदे मुक्ति वल लै जांदा, आखो सतनाम, जंजालां तों मुक्त कर दिंदा, औगुणां तों मुक्त कर दिंदा, ऐसा कुटना। आ एक एग्जाम्पल दे नाल आपां समझदे हां जी, सतसंग मन नूं किवें कुटना है, मन नूं किवें चंडना है। एक पंडित जी सन, रोज उन्होंने जाके सत्संग नदी ते इशनान करना, इशनान करके फिर मंदिर च आना, अपनी पूजा करनी, इबादत करनी, लोगों ने भी फिर उस तो बाद आना, पूजा चलती रही। एक दिन इशनान करन लई नदी ते गए, ठंड का मौसम सी, मीह पै रहा, ध्यान देना, हल्का हल्का मीह पै रहा। हुण ओ पंडित जी कपड़े उतारन लगे ते अंदरों मन ने शोर पाना शुरू कर दिता, सुने शोर पाना शुरू कर दिता। मन कहण लगा, कहिंदे पंडिता रोज तां नहाना है, सुने रोज तां नहाना, अज ठंड भी बड़ी है, मीह भी पै रहा, जे अज नहीं नहाते तो की फर्क पै गया, सुने अज नहीं नहाते तो की फर्क पै गया। पंडित जी कहण लगे नहीं नहीं, शुद्ध होके स्वच्छ होके मंदिर दे विच बहना, पूजा करनी है। मन नाल जदम जद हो रही, मन का शोर बहुत ज्यादा सी। मन ने कहा, कहिंदे पंडित जी रोज नहाते ही हाँ, एक दिन नहीं नहावांगे तो की रब ने चपेड़ मारनी, की रब ने डांग मारनी,
रब कुछ भी नहीं कहिंदा जे नहीं नाते एक दिन कोई फर्क नहीं पैंदा एडी ठंड है मीह पैंदा पिया ओ मन दे शोर दे विच सात संगत मन दे गोले गले दे विच सात संगत उहदे प्रभाव दे विच पंडित जी आ गए मूंह हाथ धोता हुण नाते नहीं इशनान नहीं कीता आके मंदिर च बह गए पूजा करन लगे बाणना लगे हुण इबादत दे विच सत्संग जो वह खेड़ा बनता सी वह खेड़ा ना बने जदों लोकी आ रहे ने मथा टेक रहे ने पंडित जी को पूजा करवा रहे ने हुण पंडित जी अंदर शर्मशार हो रहे मैं अशुद्ध होके बैठा हुआ घट्टो घट इशनान करके बहिंदा शुद्ध तो हो जाऊं कि चंद्रे मन ने मेरे को अज पाप करवा दिता सुनो अगला दिन आया ठंड थोड़ी होर वध गई मीह थोड़ा होर वध गया हुण पंडित जी कपड़े लाण लगे ने मन ने फिर शोर पाना शुरू करता मन कहिंदा पंडित जी ठंड बड़ी मीह भी पैंदा रहण दिओ अज नहाण नूं पंडित जी कहण ना 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 कल भी नहीं नहाता सी सारा दिन कहिंदे बस कल्पना ही कल्पदा रहा मैं कल्पना विच ही लंघिया कल्पदा ही रहा अपने आप दे विचों ही कहिंदे किण आंदी रही नहीं नहीं अज तां नहाणा ओ पंडित जी कल नहीं नहाते किहड़ा रब ने तुहानूं कोई औखा बोल दिता ऐदा मन ना ऐदा ऐदा भरमांदा सानूं ऐदा भरमांदा मान लो कोई नेक काम करना होगा ऐदा रोकदा सानूं नहीं करांगे तो की हो जाएगा चल कोई नहीं छड कल कर लियो परसों ऐदा मन सात संगत भटकांदा सी ओ पंडित जी नूं बहुत मन ने शोर पाया पंडित जी उहदे कहने जे आ गए अज भी नहीं नहाते हुण उदों मन दा शोर सी बहुत जोर सी उस शोर दा बहुत जोर सी उहदे प्रभाव हेठ आ के पंडित जी नहीं नहाते आ गए जी मंदिर दे विच हुण जदों आए उह शोर हुण शांत हो गया तुसीं कदे वेखणा माड़ा काम करना होवे ना बड़ा शोर होंदा मन दा करदे 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 इन्ना शोर होंदा एक आत्मा दी अंदर आवाज होंदी है निमी निमी आवाज होंदी आत्मा कहिंदी है ना करी ना करी मन कहिंदा करदे करदे आत्मा कहिंदी ना करी आत्मा दी आवाज इन्नी निमी होंदी है इन्नी हल्की होंदी है वह मन दे शोर थले दब जांदी है कसत नाम दब जांदी है फिर वह शोर दे बंदा कर दिंदा तो जो वह माड़ा काम कर देता उदों मन तो ठंडा हो गया मन तो शांत अपने अपना रस लैना सी रस लैके पास होया हूँ भुगतान भुगतना पिया जिंद भुगतान भुगतना पिया शरीर मर गया हूँ बंदा हूँ कल्पदा रहिंदा क्रिजदा रहिंदा मैं यार मन दे के ते क्यों कीता काम क्यों किया इदां ही होया दूजे दिन पंडित जी हूँ दूजे दिन भी ना नहाते बिना नहाते मंदिर च चले गए हूँ सारा दिन कल्पी जा बिना नहाते बैठे हाँ सारे नहा के आ रहे शुद्ध होके आ रहे मैं ही शुद्ध बैठा इदा अंदरों कल्पना चढ़ तीजा दिन होया मीह वरसदा पिया मौसम ठंडा है सुनो हुण दो दिन जदों मन की मन ली जाए ना तीसरा दिन मन औ शेर हो जाता यह सच्चाई जे दो दिन मन की मन लो मन तीसरे दिन ऐ शेर हो जाता हुण मन ने चोला होके क्या कहते पंडित जी हुण नहाण दी की लोड़ है ठंड बहुत है अगे तो प्रेम ना कहिंदा सी कहिंदे जी ठंड बहुत है मूंह धो लो कोई नहीं कोई फर्क नहीं पैंदा और नहीं तुहानूं भगवान जी कुछ कहिंदे इदां ही मूंह धो के तुर पो नहाण दी कोई लोड़ नहीं ध्यान देना हले मन शोर पांदा ही पिया सी पंडित जी सात संगत सिद्धी छाल मारी नहर दे विच नदी दे विच ध्यान देना कपड़े समेत ही सात संगत पानी दे विच उतर गया खो सतनाम कपड़े समेत ही पानी च उतर गए छाल मारी नदी दे विच हुण जदों बाहर आ रहे इशनान करके शरीर कंबदा पिया कंबणी छिड़दी पई दंद ना दंद लगदे पे कंबणी छिड़दी पई हुण कपड़े भी सुके नहीं है कपड़े भी गिले जदों बाहर आए मन कहण लगा कहिंदे पंडिता की कीता ई हुण कहिंदा पंडिता की कीता ओए घट्टो घट जे नहाणा सी ते कपड़े तो सुका लईं कपड़े तो उतार लईंदा सुके कपड़े तो मिलदे तैनूं गिले कपड़े हुण तू पा के जाएगा कंबदा रहेगा इन्नी ठंड लगदी पई इन्नी ठंड शरीर कंबदा पिया पंडित जी कहण लगे ओ चंद्रिया तेरा यही हाल करना है आखो सतनाम मन नूं कहिंदे तेरा यही हाल करना है
हुण कंबदा जा, हुण कंबदा जा, तैनू पता लगे तेरी अज यही सजा है। ओ मन कवे यार हद हो गई पंडित जी तुहाडी, ओ घट्टो घट चलो जे छाल ही कपड़े समेत मारनी सी, सुके कपड़े तो नाल लियांदे, उतार के सुके कपड़े पा लेंदे। तू चंद्रिया हुण कंबदा जा, हुण मंदिर जे आए कपड़े चेंज कीते बैठे, अज बड़ा सुकून है, सुनियो अज बड़ा सुकून, बड़ा आनंद बनिया होया, इशनान करके बैठे हाँ जी, अपनी पूजा च बड़ा हुण आनंद आ रहा, बड़ा खेड़ा बनिया होया। हुण चौथा दिन आया, मीह उदा ही वरसदा पिया, ठंड उदा ही है, हुण आंदिया सार मन ने कुछ नहीं किया, हुण पंडित जी मन नूं कहिंदे हाँ बई चंद्रिया दस अज नहाना है कि नहीं नहाना, आखो सतनाम, दसो चंद्रिया नहाना है कि नहीं। मन कहिंदा नहाला नहाला, तेरे कमले का की पता, तेरे पागल का की पता, कपड़े समेत ही छाल मार देवे, वो कपड़े ला के नहा लई नहा लै, आखो सतनाम। ये मन ऐसा है, इन्नू कुटो, इन्नू कुटो, कुटना पेगा। ये मैं नहीं कह रहा, साहेब कहिंदे ने, कहिंदे कुट इस मन नू, हर गल ना मनिया कर, हर गल ना मनिया कर। कुट कुट मन कसवटी लावे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुकत बो पावे, 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 सो कूटन मुकत बह पावे, सो कुटन मुकत बह पावे। नानक मन समझाइए और कै शब्द साला, नानक मन समझाइए और कै शब्द साला। साहेब ने समझाण दे सारे पैंतरे दसे, सारे प्यार नाल समझदा समझा, नहीं प्यार ना समझना, कुट कुट के समझा, कुट कुट के समझा, पर समझा समझा ताही कंट्रोल च आए गई। कई कहते ने जी मन जो मंगता दे जाओ, रजा दो मैं रजा दो। कई सियाने ये गल कहते ने जी मन नू ना खिंचना नहीं चाहिए, इनू एक बार रजा दो, चलो सात संगत जाओ करके वेख लियो, दावे नाल कहिंदा मैं रजा दियो एक बारी, इन्हें जो चीज मंगदा है ना रजा दियो। दो चार पांच दिन ये रजिया रहेगा, मुड़ के फिर भुखे का भुखा, आखो सतनाम, फिर भुखा, फिर मंगेगा तुहाडे कोल। गलत पासे जा रहे हैं, बंदा कहिंदा यार इनू रोकण दा इक्को जरिया, पर इनू रजा दियो, रजा दियो, इन्ना शराब पूरा पिला कितने तो रजेगा, नहीं रजेगा जी, नहीं रजेगा, नहीं रजेगा। सात संगत इनू कंट्रोल करन दे लई शब्द की सट मारनी पेगी, हट करना पेगा, रोकना पेगा, गलत पासों हलाना पेगा, इनू उखाड़ना पेगा, इनू हौली 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 इहदी सत्ता कमजोर हो जाएगी। इहनू जदों आ माड़ी चीजां दी खुराक नहीं मिलेगी, कमजोर हो जाएगा, बस तू सदा जितया रहेगा इहदे ते, आखो सतनाम, जितया। आ तरीका जे साडे तो बहुत किते सियाणे ने सतगुरु, बहुत किते, असीं अपने आप नूं सियाणा ना समझीए, सतगुरु कहिंदे कुट कुट इहनू, कुटना जिहड़ा होएगा वह तैनू माड़िया चीजा तो मुक्त करेगा, आखो सतनाम, बंधना तो मुक्त करेगा तैनू वह कुटना, कुटना। इसलिए साहब कहिंदे प्यार नाल मनदा ही प्यार नाल, मार नाल मनदा है मार नाल, कुट नाल मनदा है कुट नाल, जिद्दां मर्जी यह समझदा है ना इहनू समझा। बाबा कबीर जी ने नहीं कहा सी, आप जी ने सुनिया सी, कहिंदे चल रे मनू, कहिंदे चल ऐदा, कहिंदे ने ऐदा चल चल रे, जिदा आप धक्के मार मार कहिंदे चल चल अगे चल चल, ऐदा 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 करदे ना,
मन नूं इदां कहिंदे चल रे, कोई रहम नहीं कीता, कोई पुचकारिया नहीं, कहिंदे चल रे चल। आ शब्द जे कहिंदे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो, आखो सतनाम, कहिंदे सुन हिचे तो प्रेम के चाबुक मारो, इन्ना कुटांगा इन्ना कुटांगा तैनू चाबुकां दे नाल सूत हो जाएगा। ये बाबा कबीर जी ने मन नूं समझाउणा कीता इदां, प्यार नाल नहीं, कहिंदे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो, चल तैनू बैकुंठ लैके चलना। वह बैकुंठ नहीं जिन्हों किसी ने देखा नहीं, आ बैकुंठ। कहो कबीर एक कही है काए, साध संगत बैकुंठे आए, आ बैकुंठ। कबीर जी कहने चल तेनू संगत दे बैकुंठ च लैके चल चल। ते जे आना कानी कीती आ प्रेम के चाबुक मारो, हिचे तो प्रेम के चाबुक मारो। साहिब कहने समझा, ये प्यार नाल समझ दे, प्यार नाल समझा, मार नाल समझ समझ दे, मार नाल समझा, पर समझा इनू। नानक मन समझाइए गुर के शब्द सारा, 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 मन समझाइए मन समझाइए मन समझाइए मन समझाइए मन समझाइए मन समझाइए, नानक मन समझाइए गुर के शब्द सारा, नानक मन समझाइए गुर के शब्द सारा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बोलो वाहे गुरु। तीसरा गुण दिता संत अत्र सिंह जी मस्तवाने वाले, महापुरख कहिंदे तीजा तरीका जदों मन माड़े काम करन लई बोले, ध्यान देना, सुचेत रह के पुठा कर उहदा, आखो सतनाम, पुठा कर, ध्यान देना। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਵਲੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਵਲੀ ਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਆਣਾ ਮਿਹਨਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਵਲੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਮ ਜਾਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਮ ਜਾਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜ ਪਿਆ, ਸੱਸ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜ ਪਿਆ,
बादशाह की नौकरी छड़ के जमुना किनारे रब नू याद करने वास्ते तुर पिया। एक दिन मन दे विच वैराग पैदा हो गया, वैराग बादशाह की नौकरी छड़ दित्ती, जमुना किनारे तप करन लई चल पिया, रब नू याद करन लई तुर पिया। रस्ते विच ख्याल आया, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। आखो सतनाम। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये आम कहावत है जी, आम कहावत। मन विच ख्याल आया, हुण रब नू याद करन लई तुर पिया, तो मन च ख्याल आया भी गुरु बिना गति नहीं। रब नू याद करना, बंदगी करनी, भजन करना है, तो गुरु तो होना चाहिए, कोई गुरमंत्र तो मेरे को होवे ना, गुरु का मंत्र हो। लंघता जा रहा सत्संगत, अगे निगाह पई एक फकीर साई, फकीर साई अपनी मस्ती च बैठे हो, एक कोल आके फकीर साई दे कोल बह गए। फकीर दे नेत्र बंद ने, चेहरे ते जलाल है, एक अजीब जी कशिश, अजीब जी वाइब्रेशन उस फकीर दे विचों इनू मिली। मन मन गया, कहिंदा इनू गुरु धारन। फकीर दे अगे बेनती लाई, कहिंदे फकीर साई। फकीर ने नेत्र खोले, कहिंदे हाँ जी दसो। कहिंदे जी मैं तुहानू गुरु धारना चाहना, गुरु धारना चाहना। फकीर कहण लगे, कहिंदे तू कौन है? कहिंदे जी मैं अकबर दे दरबार दे दरबारी हाँ, मेरा नाम वली राम है, मैं दरबारी हाँ शहनशाह दा। जोश दे विच आके ना उस फकीर ने कहा, कहिंदा जा जा, भज जा इत्थों, फंतर लैण लई आया, गुरु धारण करन लई आया। कल नू उन्हें जूठे टुकड़े सुटे, हलकाए कुत्ते दी तरह फिर ओदे वल भजदा फिरेगा, जा भज जा। जदों इन्नी गल सुनी सत संगत, हाथ बन्ने, कहिंदे जी जूठे टुकरां नू छड्ड के आया। हुण भावें कोई कितने मर्जी जूठे टुकर छुट्टी जावे, एक कूकर हुण राम दा बनेगा, एक कूकर हुण शहनशाह दा नहीं बनेगा। तो सतनाम। अपने आप नू कहिंदा, कहिंदे हुण आ कूकर वली राम, कूकर राम दा बनेगा, शहनशाह दा नहीं बनेगा। फकीर ने देखिया भाई निश्चा है, निश्चा है। कहिंदे महाराज मंत्र दिओ। फकीर ने मंत्र दिता, कहिंदे जो मन कहे उस तो उल्ट करना, आ तेरे लिए मंत्र सुनियो, जो मन कहे अज तो बाद तू उल्ट करना है। मन नू काबू करना ही जी, बस आ मंत्र तू अपना ले, जो मन कहे उल्ट कर ले। सत वचन कह के तुर पिया जी। हुण जदों इबादत च बैठा है, मन कवे उठ, ध्यान देवे, मन कवे उठ, ये कहिंदा नहीं मंत्र है, गुरु मंत्र मैनू गुरु ने दिता, उल्ट करना है। तू कहना उठ, हुण मैं बैठे रवांगा, तो सतनाम। कहिंदे बैठे रवांगा, गुरु कोल मंत्र होंदे। मैं आप जी नूं पहले एक गल बोली सी, डॉक्टर एक है, सौ रोगी ने, रोगियां नूं बीमारी भी इको ही है, पर सारिआं वास्ते दवाई वक्री वक्री हो जांदी है। खो सतनाम। गल तां मन नूं काबू करन दी है, ते गुरु ने मन दी दशा वेख के इहनूं मंत्र देता, जो मन कहे तू उल्ट करना। कमाएंगा जी कमावांगा। भजन करदिआं नूं कुछ समा होया, मन कहिंदा यार हुण बस कर, बहुत हो गया, उठ हुण। एकदम मंत्र याद आ गया कि जो मन कहे उल्ट, कहिंदा ना 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 ना, बस होर जप, तैनू बिठाई रखना, तैनू इबादत कराई रखना। हुण जो सात संगत मन कवे इस तों उल्ट करी जा।
उल्ट करी जाए। नानक मन समझाइए गुर के शब्द साला, 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 मन समझाइए 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 मन समझाइए। ओहो नानक मन समझाइए गुर के शब्द साला, नानक मन समझाइए गुर के शब्द साला। हुण नाम जपदियां नूं सत संगत काफी चिर लंघ गया, कदे घर चेता आवे कदे राज दरबार चेता आवे कदे कचहरी चेता आवे कदे की कदे की। मन नूं कहिंदा तू भजदा फिर तू भजदा फिर, कहिंदे मैं नहीं जाणा किते आखो सतनाम, तू भजी जा जिथे भजना ही मैं नहीं जाणा। इन्ना नाम जपया इन्ना भजन किया सत्संगत फकीरी आ गई, फकीरी आ गई। ए वली राम, इस वली राम ने इन्ना भजन किया इन्ना भजन किया सत्संग फकीरी आ गई। जो ए बोलिया करे सिद्ध हो जाया करे, बड़ी मानता वध गई। दस शॉर्ट कर रहे हैं, मानता बड़ी वध गई, यदि लोगों च बड़ी प्रसिद्धि वध गई। इन्नी फकीरी आ गई सात संगत की रसना ते हुण रब है, रब जी बसै सद की रसना। कोई नाम जप के तो वेखे, कोई भजन करके तो वेखे, देखो फिर की लीला वरतदी है। एक दिन राजा अपने तख्त ते बैठा, तो कुदरती दा ध्यान वली राम वल चला गया। इन्हें पूछया कहिंदे ओए कई दिनों तो वली राम नजर नहीं आया, वली राम किथे है? ते किसी ने कहा कहिंदे महाराज ओ तो फकीर बन गया, और फकीर ही नहीं बड़ा पुगया फकीर बन गया, बड़िया के कारज सिद्ध करता फिरदा, उदी रसना ते रब वसदा, बड़ा तगड़ा फकीर बन गया महाराज। अच्छा किथे होंदा? कहिंदे जी जमुना दे कोल होंदा। अकबर कहन लगा कहिंदे कोई नहीं चलो अज मिल के आने, नाल लाहो लश्कर नहीं लिया, कुछ चोणवे मंत्री संतरी ले ले तुर पिया। कहिंदे चल के वेखीए तां सही ये वली राम जिहड़ा फकीर बनिया फिरदा इहनूं होया की है, होया की? ध्यान देना संगत। एक कोल आया वली राम अपनी मस्ती से जुड़िया होया, अपने फकीरी दे रंग दे विच जुड़िया पिया। हुण सुनियो ध्यान देना, जुड़िया पिया अपने भजन दे विच नाम दे विच सिमरन दे विच अपने साईं दी याद। जदों घोड़ियां दी टापां दी आवाज़ आई, दगड़ दगड़ दियां धूल उड़दी, इहदे नेत्र खुले कहिंदे कौन है एडा रोला पाउंदा आ रहा। जदों साध संगत इहदी निगाह खोली, निगाह खोली ते की वेखदा? सामने अकबर बादशाह आ रहा। आखो सतनाम, यह लम्मा पिया होया, लम्मा पिया अकबर बादशाह आ रहा। यह अपने रथ तो उतरिया अकबर बादशाह कोल आया। इहदे मन ने कहा अकबर बादशाह आया, उठ के सलाम कर।
ध्यान देना, उठ के सलाम कर। एकदम इनू गुरु का मंत्र चेते आ गया, जो मन कहे उदा पुठा करना। ध्यान दे, मन कहिंदा पिया उठ उठ के सलाम कर, बादशाह आया। गुरु का मंत्र इनू चेते आ गया कि भाई जो मन कहे पुठा करना। ये उठिया ना, मन कहिंदा सी उठ के सलाम कर, ये उठिया ना, ये लम्मा ही पिया रहा, लम्मा ही पिया रहा। अकबर बादशाह कोल आया, ये सात संगत अकबर बादशाह ना रंगिया होया सी। ये रब नू खुदा नू एक खुदावंद बंदा सी जी, मनिया करदा सी रब नू, इबादत सी इहदी अकबर। ये आके ना इन्हें बुरा नहीं मनाया, अकबर हसन लग पिया। वली राम नू वेख के हसदा होया इन्हें एक सवाल किया, ध्यान देना। वली राम नू एक सवाल करदा, कहिंदे वली कब के पांव पसारे, ध्यान देना। कहिंदे वली कब के पांव पसारे, वली ने उत्तर दिता जब के हाथ संकोचे। आखो सतनाम, जब के हाथ संकोचे। कहिंदे जदों दा मैं हाथ संकोचे है उदों दा ही मैं आ पैर पसार के बैठा होया। आखो सतनाम। बस आ सवाल दा जवाब सुनदा गया अकबर, सुनदा गया उन्हें हाथ जोड़ते, कहिंदे वली सच तेरी यात्रा शुरू हो गई। आखो सतनाम, सच तेरी यात्रा शुरू हो गई। ओ मैं ता वेखण आया सी तैनू, सारे फकीर फकीर कहिंदे ने किथे तक पहुंचे हैं, पुगिया भी है कि नहीं। तू इस सवाल का जवाब दे के जब ते हाथ संकोचे, और जदों तू दुनिया तो ही हाथ संकोच लिया, जिहड़ा दुनिया तो हाथ संकोच लैंदा उहदा हाथ केवल ता केवल रब अगे ही सात संगत खुलदा। आखो सतनाम। जेड़ा दुनिया दे के हाथ खोल खोल के बैठा होंदा, हाथ संकोचदा नहीं, बस दे 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 तू दे दे तू दे दे तू दे, ओ नहीं रब कोलो कुछ ले सकता। जदों दुनिया तो हाथ संकोच लैंदा, फिर सात संगत हाथ संकोचना की है, दुनिया तो हाथ संकोचना की है। एक ते भरोसा, एक दी टेक थले बह गया, हुण दुनिया दोल नंबर ते हो गई, एक दे भरोसे ते बैठा साइया। हाथ अड्डांगा तेरे अगे अड्डांगा, तेरे बंदे अगे नहीं अड्डांगा। आखो सतनाम। सत श्री अकाल। वली कब के पांव पसारे, कहिंदे जब के हाथ संकोचे। आखो सतनाम। अकबर कहिंदा पुग गए तू, पुग गए। जदों अकबर ने नमस्कार कीती ना, इस वली राम दियां अखां भर आई, अखां भर आईयां ते कहण लगा धन धन मेरे गुरु, ओ धन तेरा मंत्र, धन तेरे मंत्र दी कमाई, जिन्ने मन नूं ऐसा सौदा लाया कि अज हिंदुस्तान दा बादशाह आप हाथ जोड़ के सामने खड़ा है। आखो सतनाम। बाबा अतर सिंह जी कहन लगे, कहिंदे जो मन कहे माड़े काम लई, कहिंदे उहदा पुठा करना है, पुठा करना है। जे मन नूं बन्नना है, कंट्रोल करना है, आ विधि बहुत काम आएगी, जे बहुत काम आएगी। मन कहिंदा है ना इथों उठ चल चलीए, इहदा पुठा करो, पुठा बह जाओ। मन कहिंदा नहीं अज टाइम नहीं है मेरे को सुखमनी करन दा, सुखमनी पढ़न दा, पुठा ध्यान देना, पुठा। देखो कितना मन नूं साध संगत जदों गुरु शब्द दी चोट पैंदी, कुट पैंदी, कुट पैंदी, आपे ही साध संगत बख्शिश दे खाते खोलणगे। ते किवें देखो ए मन सूत होके, यही मन मित्रताई विच आ जाएगा, यही मन ऐसी मित्रताई निभाएगा जेड़ा मन कहिंदा सी ना उठ उठ चल चलीए, यही मन मित्रताई निभाएगा। ओ दस मिनट होर बह जा, ओ दस मिनट होर बह जा। एक पाठ कीता अगे मन कहिंदा सी उठ, हो गया पाठ जपजी साहब दा उठ,
ਹੁਣ ਐਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਸਮਝਾਓ, ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਸਮਝਾਓ, ਚੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਸਮਝਾਓ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾ, ਪੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾ, ਪੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾ, ਪੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੀ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਹੀ ਜੀਓ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਇਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਓਦਾਂ ਓਦਾਂ ਤਗੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਮਲ 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 ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਕਰ ਕਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।